ओ माय गॉड, जब भाई को पता चला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम एकदम अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में भी ठीक है, और पहले से काफ़ी ठीक है। काफ़ी मीन्स बहुत हद तक सही है वो। 2-3 दिन तो बहुत 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 चिड़चिड़ कर रहा था, बहुत रो रहा था, पर वो एकदम अभी ठीक है। और जैसे कि बच्चे रोते हैं थोड़ा बहुत, और अपनी मम्मा के लिए रोते हैं, तो वैसे तो वो रोता ही है, पर वैसे वो डरने वाली कोई बात नहीं है जो पहले थी। मैंने बीच में, जैसे मैं रेगुलर व्लॉग्स बना रही थी, रेगुलर, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया। और इसके कारण क्या हुआ कि सच का भी बहुत बहुत ज़्यादा, सच भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, तो वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और सच का भी प्रेशर, ऊपर से व्लॉग्स, वो मैं कर रही थी साथ ही साथ, एक दिन भी मैंने गैप नहीं लिया, और उसकी भी एडिटिंग। इस कारण से क्या हुआ, इतना प्रेशर आया कि मेरी थोड़ी, मेरे, आप लोगों को भी पता है कि मैं भी बहुत डाउन चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा गैप लिया जाए, तो मैंने सिर्फ एक ही दिन का गैप लिया। तो आज अभी शाम के बजे हैं, अज़ान हो रही है, आप लोग देख लीजिए, 6:30 बजे। गाइस, तो मुझे लगा कि आज व्लॉग शूट, आज मैंने अपना डेली, आज मैंने कुछ और नहीं तो कुछ और ना सही तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं अपने लव मैरिज के बारे में बताती हूँ। लव मैरिज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और चल रहा था, तो मैंने सोचा आज पार्ट 4 बनाते हैं और बताते हैं कुछ अपनी शादी के बारे में, अपनी लव मैरिज के एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि जब हमारी शादी हुई तो किस किस को प्रॉब्लम हुई थी, और किस किस ने शादी रोकने की कोशिश करी। जी गाइस, कोई भी लव मैरिज इतनी आसान नहीं होती, कोई भी इतना भी इजी नहीं होता कि चलो ठीक है पसंद किया। हाँ, कुछ एक होते होंगे लाखों करोड़ों में, ऐसा नहीं बोलूँगी, सब एक जैसे नहीं होते, पर हमारी तो इतनी इजी थी और नहीं भी थी। और एक एक टाइम ऐसा आया कि ऐसे लगा था कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है, शादी नहीं हो पाएगी। और ये बात तो मैंने अपनी मम्मी जी यानी सासू माँ को भी बताई थी कि माँ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है और ऐसा कुछ चल रहा है कि शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो मम्मी जी ने कहा था, तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तो गाइस, हाँ, तो क्या हुआ कि हस्बैंड और मेरा, हम लोगों ने कैसा अपना जब हमारी, जब हमें लगा कि हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और एक दूसरे से ही, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और हमें लाइफ टाइम साथ में रहना है, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया कि मैंने बताया था अपनी सिस्टर को, और बाई चांस बताना पड़ गया था दीदी को, वरना मैं इतना जल्दी नहीं बताती। मैंने बहुत जल्दी बता दिया था उन लोगों को, पर ऐसा नहीं बताया था कि भाई, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया था, मतलब डिटेल से नहीं बताया था। और हस्बैंड ने बताया था, मेरी ननंद यानी दीदी है, वो मेरी ननंद है, दीदी को बताया था, और फिर मम्मी जी को बताया था, उन दोनों को पता था, और एक साल के बाद डैडी जी को बताया था। तो लकीली डैडी जी भी रेडी हो गए, थोड़ा डैडी जी का डाउट था कि नहीं होंगे, पर जब उनको पता चला कि साथ की है, वही है, चलो, हमारा ये था ना कि भाई, वो हमारा जो, हम लोगों का जो चल रहा था ना फील्ड, कुछ ऐसा था कि हम एक दूसरे के लिए ही, मतलब एक ही फील्ड का रहे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं। और वो देखो, किस्मत होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसी फील्ड में आपको मिले, लेकिन उनको लगा कि मुंबई रहना, और लड़की मुंबई रहती है, लड़का भी मुंबई रहना है लड़के को, और लड़की मुंबई रहती है, तो जोड़ी परफेक्ट है। तो ऐसा ही कुछ मेरे घर पे हुआ था। तो जब पापा को बताया, मैं क्या बोलूँ, जब पापा को बताया तो पापा के रिस्पॉन्स के बारे में मेरे को पता था कि अरे यार, मेरे पापा का तो मुझे पता ही था ना, मम्मी पापा का, एक इंसान जब कदम उठाता है ना, देखो प्यार हो जाता है, प्यार ऐसे कुछ नहीं है कि माँ बाप रेडी होंगे वो तभी प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार हो जाता है। लेकिन मुझे पता था कि अपने मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे,
और उल्टा हो गया था। पापा ने क्या बोला कि जैसे मैंने बताया तो, हाँ उस टाइम की बात है जब आप लोगों को तो बताई, मैं घर पे गई थी तो उस टाइम मैंने बताया कि पापा बोले अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीदी ने पापा को बोला कि शादी करो इसकी, पापा ने मेरे को बोला, तो मैंने बोला हाँ ठीक है सरदार जी है, तो पापा बोले उसे उसका तो कुछ पता ही नहीं कहाँ से है क्या नहीं। तो भाई साहब मैं हो गई गुस्सा में, क्योंकि मेरे पापा और ना, क्योंकि मेरे पापा कभी ना करते ही नहीं थे मुझे, तो मैंने गुस्से में क्या किया, कुर्सी फेंक दी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा नाटक किया उनको पटाने के लिए। तो मैंने गुस्से में कहा मैंने शादी तो उसी से ही करनी है, मुझे नहीं पता। तो मैंने कुर्सी बोले कि उसे कैसे कुछ पता नहीं, लेना ना देना, कहाँ एमपी, कौन एमपी, किसका एमपी, कहाँ पड़ता है अपने यहाँ से, कितनी दूर है, कौन है, पता है पीछे कुछ है भी कुछ कैसे है, मतलब कुछ पैसे दिल्ली का, मतलब हमारी भाषा में बोला कि पीसंगों की स्वांझ भी है, कि किसों को बैकग्राउंड है, कुछ घर कोई काम धंधो मीन्स कुछ काम वाम कुछ पीछे से है क्या, कुछ ढंग का है, कुछ घर तो है क्या उसका। तो क्योंकि हम लोग जाट हैं और हमारे में क्या होता है, पहले ज़मीन पहले नौकरी, गवर्नमेंट हमारे में सरकारी नौकरी देखते हैं पहले, पहला ठीक है अच्छी, और सेकंड देखते हैं ज़मीन, यानी आगे वाला बाई चांस नौकरी से हट जाता है या उसकी जॉब चली जाती है तो पीछे क्या है आपका। और ये सोच बिल्कुल ठीक है अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए, कि भाई नौकरी है, नौकरी का कुछ कह नहीं सकते, आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपके कुछ किसी कारण से आप पे कोई पुलिस केस हो गया, आपकी जॉब चलेगी, एक्स वाई जेड बहुत सारे कारण होते हैं, तो जॉब तो कभी भी जा सकती है पर ज़मीन तो नहीं जा सकती ना। तो जॉब नहीं होगी तो ज़मीन तो होगी, खाना खाने के लिए आपके पास कुछ होगा, और ज़मीन अच्छी देखते हैं। तो मतलब मेरे घर का बता रही हूँ, ये था कि सर्विस, उसके बाद तो अकेली सर्विस नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सर्विस करता हूँ बहुत बड़ी बात है भैया, सर्विस है ना नहीं जो, उसके साथ ज़मीन भी होनी ज़रूरी है। तो ज़मीन यानी खेत वेत, समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझते, राजस्थान हरियाणा पंजाब वाले तो समझते हैं ज़मीन। तो ऐसा था कि हम लोग जाट, हमारे में ज़मीन और नौकरी दो ही चीज़ होती है, बिज़नेस तो हम लोग जानते नहीं है, और ऐसा नहीं है बिज़नेस भी करते कुछ लोग, पर हमारे ख़ानदान में तो शायद ही कोई बिज़नेस करता हो, सारे सर्विस में है। तो पापा को बोला तो पापा के मुंह से मेरा ना सुनना ही मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैंने पहले तो चेयर पटक दी, उसी से करूँगी शादी। फिर पापा बोले जा नहीं करते, बोले जा कुर्सी तोड़ रही है तू, बोले ऐसा करेगी। फिर मैंने कमरे में जाके गेट बंद करके पूरे दिन मैं कमरे में बैठी रही पूरे दिन। फिर क्या किया, फिर थोड़े नाटक वाटक किए, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी एक्टिंग, अब एक्टर थी तो थोड़ा एक्टिंग भी करी मैंने। तो फिर शाम को पापा, मेरे को पता था कि मतलब ऐसा था ना, मैं मेरे पापा के रग रग से वाकिफ थी कि छोटी सी एक्टिंग करो, उनको मना लो, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी कितनी भी बड़ी हो, यानी मैं रात को एक्टिंग करती थी, रात को नाराज़ होती थी, सुबह वो मिल जाती थी, तो वो ही मैंने किया। तो मुझे पता था मेरे पापा मान जाएंगे, बाप है यार, आखिर बाप है, इतना जल्दी कैसे मान जाएगा, कि डर नहीं लगेगा कि किस कौन है क्या है, शादी कर दी कल को दुखी रहेगी या कुछ है भी या नहीं है। तो बोले ठीक है अपन कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है लड़का देख लेंगे, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ वैसे तो नहीं है, पर फिर भी होता ही है, बेटी है डर लगता है। वैसे तुम लोग एक ही फील्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे इधर वापस आना नहीं है, इस साइड में राजस्थान हरियाणा पंजाब तुझे मतलब पसंद मीन्स मुझे उस साइड हाथ जोड़ रखे थे, मैं कभी नहीं आऊँगी, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को मुंबई रहना, मुंबई रहना, मुंबई रहना, मुंबई रहना, मुंबई रहना, बस ये ज़िद थी, रहूँगी तो मुंबई में ही रहना है बस। क्योंकि मैं जब सिटी में उसमें गई तो वाह मज़ा आ गया था, पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं है घूमने लायक, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओहो बहुत सारा ऐसे है, बहुत ही कुछ है घूमने लायक देखने लायक जगह, मुंबई में कुछ भी नहीं है, पर मुंबई मुंबई है। तो बोले ठीक है अब भाई साहब सब रेडी, सब रेडी, आ गए हमारे विलेन शादी के, हमारे लव मैरिज के विलन, हमारे भाई साहब यानी मेरे भाई। ओ माय गॉड, जब भाई को पता चला हमारा सच उठ गया, अभी हमारे व्लॉग का विलेन उठ गया। तो जब मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, जब भाई को पता चला, भाई साहब वो तो माना ही नहीं, उसके सामने कुर्सी क्या
मैं पूरा घर भी तोड़ देती ना, या मैं पूरा घर का सामान भी तोड़ देती ना, तो भाई नहीं मानते, भाई साहब नहीं मानते। एक मिनट रुकिए, मैं सच को लेके आती हूँ। उठ गए भाई हमारे बाबू। हमारे बाबू के बाल तो देखो। बाबू क्यों हुआ आपके बालों को? से हाय। हेलो। मेरे बाबू के बाल बहुत लंबे हो गए, कर्ली हो गए तो खड़े हो जाते। तो गाइस क्या हुआ, कोशिश करती हूँ इसके साथ अगर मैं बना पाऊँ तो, अगर ये हमें कुछ ना बोले तो। आज्ञा दीजिए महाराज कि हम बात कर सके। तो गाइस भाई साहब को पता चला, और भाई साहब का तो हमें बचपन से ही पता था कि जब उसको पता चलेगा तो वो आग लगा देगा। और वही बात हुई, उसने ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि भाई जब तक शादी नहीं हुई जीना हराम करके रखा उसने। इतनी 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट करी उसने, सारे तल्ले मार लिए, सारे हाथ पैर मार लिए, पर ना ये शादी रुकी ना मेरे घर वाले माने। देखिए यही अगर मेरे पापा होते ना भाई की जगह तो शायद शादी ना होती। जब माँ बाप राजी होते हैं ना, तो था तो बेटा ही ना, तो फिर चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, जब आपके माँ बाप रेडी है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और वही हुआ, जब पापा रेडी थे, मम्मी रेडी थी, बहन रेडी थी, भाभी, मतलब मीन्स ये सारे एक तरफ हो गए थे, और हमारे भाई साहब एक तरफ हो गए थे, और भाई साहब तांडव किए जा रहे थे पर उनके तांडव कोई काम नहीं आ रहे थे। तो उसने जो कर सकता था, जैसा कर सकता था उसने किया। बाबू हुई उबासी आ रही मेरे बच्चे को। फिर क्या हुआ, बस एक डर सता रहा था हमें कि ये शादी ना रोक दे, बस ये बहुत ज़्यादा डर था। तो जैसे तैसे गाइस सब वो करता रहा, उसने कोशिशें करती रही। मैं आप लोगों को डिटेल में बता नहीं सकती कैसी कैसी कोशिशें की होगी। पूरे पूरे दिन वो घर नहीं आता था, रात को वो लेट तक आता था, आता था तो लड़ाई करता था जो। लेकिन मेरे पापा बहुत सॉलिड इंसान, बहुत पावरफुल इंसान, ऐसा नहीं झुक जाएंगे, या ऐसा नहीं था कि, थोड़ा ये था कि भाई पापा की रिस्पेक्ट भी तो थी कि वो पापा के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, नहीं चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो गाइज बस शादी हो गई, और जैसे तैसे करके शादी हो गई। जब शादी हो गई अच्छे से, और सबको ये था कि बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत ही अच्छी जोड़ी है, जो वहाँ देखा हम दोनों को तो सब ने ये था कि बहुत अच्छी जोड़ी है। मैं कभी पिक्स डालूंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी शादी की या बात की, तो सब यही बोल रहे थे बहुत अच्छी जोड़ी है भाई। तो जब ये बाद में जब इनका राजीनामा हुआ, यानी कि साले और जीजा का, जब ये इनसे मिले तो वही बात हुई जो और बाकियों के साथ हुई। तो भाई भी मेरा उसको उनको स्पेशली लाने के लिए गया, वो पहली बार जब गया था उस, और ये भी देखिए उसने ही, यानी मेरे भाई ने, उन्होंने ही मुझे मनाया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब हम लोग आपस में राजी हो गए। उसने गले वले लगा लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोले अब मैं लाने जाऊंगा उनको। तो जब हस्बैंड गए मेरे उधर, तो वो मतलब पहली बार जब उन्होंने बात की उनसे, तो वो लाने के लिए गए गाड़ी से। और जब वो लाए, मैं क्या बताऊँ, इतनी इज्जत करी उनकी, और इतना प्यार दिया उसने कि विश्वास नहीं हो रहा था। अपने हाथों से खाना, मतलब उसको सब्जियां बनाने का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा कुक है, तो उसने सब्जियां बना रहा था उनके लिए, और जो भी उनको पसंद है सैलड वैलड काट के दे रहा था, या पनीर वगैरह ला रहा है, कभी मार्केट से कुछ ला रहा है, कभी पूछ रहा है कि क्या चाहिए बताओ, क्या खाते हैं बताओ। इतनी इज्जत करी, बहुत अच्छे से वो टाइम भी था, बहुत मज़ा भी आया उस वक्त, और बहुत खुश हो गया वो देख के कि लड़का वाकई में बहुत अच्छा है, और शायद इतना अच्छा लड़का है, ठीक है ना कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, और छोटी नहीं मैं बहुत छोटी हूँ उससे, तो उसको लगा ठीक है ये खुश है तो ठीक है, लड़का भी अच्छा है, चलो अच्छे से सेट हो है एक दूसरे के साथ। जब सब राजी है, जब इसके सास ससुर माँ बाप सब रेडी है, भाई बहन सब रेडी है, तो क्या जा रहा है, तो वो भी रेडी हो गया, राजी हो गया, और अच्छे से राजी हो गया, और बहुत किया उसने वही सेम चीज़, बहुत करा उसने। अभी भी जाते हैं तो बहुत करता है, लेने जाएगा दिल्ली से भी, इवन या दिल्ली उतरेंगे या फिर कहीं पे भी आसपास हिसार या जहाँ पे भी यहाँ से जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जाए, भले ही ट्रेन से जाए तो उनको लेने जाता है, फिर जाते हैं तो बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से बात बात भी करेगा, और खिलाएगा पिलाएगा, जो चीज़ें पसंद होती है ला के लेके आएगा, और क्या चाहिए, हैप्पी एंडिंग। तो बस
शादी होनी थी लिखी हुई थी और हो गई, और जो चीज़ें मुसीबतें उसने डाली थी वो तो भाई साहब अच्छे अच्छे हार मान ले, पर हम लोगों ने नहीं माना। तो गाइस लिखा हुआ था, किस्मत पर लिखा हुआ था, वरना टल सकती थी क्योंकि बहुत हालात बुरे बन रहे थे। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे मोड़ आए थे बीच बीच में, जब क्योंकि शादी में टाइम था और वो दिन नहीं कट रहे थे, वो टाइम नहीं कट पा रहा था, इतना ज़्यादा उन्होंने भाई ने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी, वो टाइम नहीं कट रहा था क्योंकि बहुत अंतर था शादी में। और आप सोच लो 10 दिन भी कटने मुश्किल हो जाए, यहाँ पे बाकी थे 2 महीने, डेढ़ दो महीने के आसपास, तो बहुत मुश्किल से काटा था वो टाइम। जब तक शादी डेट रख दी थी, जब तक शॉपिंग नहीं करी तब तक तो कुछ नहीं, जब शॉपिंग करनी शुरू करी तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। पर जो भी लिखा था अच्छा लिखा था, और कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी बहुत ख़ास चीज़ होती है वो आसानी से नहीं मिलती, और मुझे जो चीज़ मिलनी थी वो यूँ कहें कि आसान भी मिली बड़ी मुश्किल से भी मिली, दोनों ही चीज़ें हैं, तो अच्छा है ना, मिला तो कुछ अच्छा ही मिला। कोशिश ला हो, अरेंज हो, अच्छे से हो, सुखी रहे, बस खुश रहे, इतना ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी की दूसरे की लाइफ देख के ये मत सोचिए कि इसने अरेंज करिए तो मुझे अरेंज करनी चाहिए, इसने लव करिए तो मुझे लव करनी चाहिए। आपकी जो भी शादी हो, आपकी किस्मत में जैसा भी लिखा हो, उसको बस अच्छे से गुजरे, दो लोग साथ में एक छत के नीचे प्यार से रहे, बस इतना ही काफ़ी होता है, और यूं ही ज़िंदगी कट जाती है। सबसे प्यारा कपल जो मैंने देखा है वो है मेरे माँ बाप, इतनी प्यारी जोड़ी मैंने आज तक, इतना प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी ज़िंदगी, उनका सफ़र इतना आसानी से, इतना प्यार से कट गया, कभी मम्मी ने पापा को संभाला, कभी पापा ने मम्मी को संभाला, और कट गया सफ़र, तो ऐसी ही होनी चाहिए लाइफ। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे लव मैरिज के अपना एक्सपीरियंस, अपनी शादी का वो बताना था, किस्सा बताना था, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे व्लॉग्स को। आज के लिए बस इतना ही।